मेरे गांव में तो एक जुलूस निकल रहा भाई साहब स्कूल का, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, लड़के बोलेगी हम करेंगे हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है भैया देश, तो भैया जाता रहा आगे आगे। लड़कियों ने नारा लगाया हमारी मांगे, लड़के बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। लेकिन ये वीरस का काम है, क्या करो। तमाम बड़े कवि आदरणीय शशिकांत भाई साहब ये सब हमें सिखाते रहते हैं। एक दिन शशिकांत भाई साहब ने कहा कि अर्जुन अल्लड़ तुम गांव में रहते हो बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की प्रतिवर्ष, याद रखना तेरे गांव में किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कसके रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं बच जाएगा, यह पुण्य का काम है बेटा याद रखना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया भाई साहब। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ, अपन ने कसके रस्सी बांधी भाई साहब, यहाँ 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेड से नहीं हुई घुटन से हुई, तो अपन मोहनखेड़ा तीर्थ की तरफ निकल लिए। तो आनंद लो कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए, और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब कहाँ है, इसका बेस बढ़ाइए क्योंकि बेबी को समझ रहा हूं मैं तुम्हारे लक्षण, तुम सब मेरे ही मांझने के हो, लेकिन चोरियों के चक्कर में मत पड़ना, सही बता रहा हूं क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी, एक दिन करीब आई दी थोड़ी सी स्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल, हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। लेकिन बेस जरूरी है क्योंकि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज्यादा भेज पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह जिंदाबाद, आपकी तालियां कमजोर है, मैं दो नाम अपनी आस्था के जो है वो लेना चाहता हूं, आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो आस्था हो तो तालियों का घनत्व तो बढ़ाएं, किसी को कुछ भी पसंद हो साहब, मुझे क्या पसंद है आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज़्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाय से ज़्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज़्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज़्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज़्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज़्यादा देश पसंद है, लेकिन लेकिन जिन जिनके भीतर जिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं सही बता रहा हूं, मेरे गांव में तो भाई साहब एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं कंडा, वो देखा तो वो कंफ्यूज हो गया, हॉलैंड पोलैंड में कंडे होते ही नहीं है, पास में 70 साल के काकाजी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे, अंग्रेज ने उनसे पूछा हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस, अब काकाजी को अंग्रेजी आती थी थोड़ी थोड़ी, काकाजी बोले दिस इज कंडा, अंग्रेज बोला व्हाट कंडा, काकाजी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा, अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया, काकाजी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ दिस इज थापा, अंग्रेज बोला वाट थापा, काकाजी बोले थापा मतलब थापा, अंग्रेज बोला वाट थापा, तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा वाट थापा, काकाजी ने इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा, डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम है भाई साहब, सही बता रहा हूँ, मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब ये गाड़ी से गिर गया इसका इलाज करो, डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता यही बात अंग्रेजी में बोल, वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा।
वो बड़ा पिरोंडा इलाज किरोंडा जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। लेकिन साहब तमाम बड़े कवि जिनके चरणों में बैठकर हमने नीचे बैठकर बहुत कुछ जिनसे सीखा, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविताओं पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। क्योंकि जीवन की प्रणाम करता हूँ, जीवन की आपाधापी में दो पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए, अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। जिन पीड़ाओं को सहन करके हमारा सैनिक हमारा भाई सरहदों पर खड़ा होता है, हमें थोड़ी सी ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगती है कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर पीड़ा हर मौसम से बेखबर सरहद पर हमारा भाई पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है। मैं उनके सम्मान में पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ कि आग किन पीड़ाओं को सहन करता है, वो कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घन घोर बरसती रातों में, सरहद पर थावो वर्दी में, मर मर कर सौ सौ बार मरा वो अपना मुल्क बेचार बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो, गांधी गौतम का गया जमाना भगत सिंह आह्वान करो, रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेंट धरो, गीदर से क्यों भय खाते हो शेर हो तुम आखेट करो, पांच जन्ने फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान दो पंक्तियों में ठीक लगे तो आशीर्वाद देकर के विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो, हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश वीर जवानों का, आखिर भारत माता की।